वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने एसएससी सीजीएल 2022 का जो फुल मॉक टेस्ट है, टेस्ट बुक का टेस्ट नंबर 4 दिया था। बहुत ही कम मार्क्स आए, लेकिन एक बार या दो बार ऐसा बीच में हो सकता है कि आपके भी जो आपका स्कोर हो काफी कम आए, लेकिन उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। एक एक टेस्ट आपको ये नहीं बता सकता कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर कंटिन्यूअसली ऐसा कुछ होता है तो सोचने की बात है। तो जैसे मैंने ये टेस्ट दिया तो कुछ ऐसे टॉपिक्स मिले मुझे इसमें जो मतलब पहले के किए हुए हैं लेकिन वो रिवीजन में नहीं है। जैसे कि वो जो क्यूब वाला क्वेश्चन आता है कि ऐसे कट कर दिया गया तो कितने कलर फेसेस हैं, कितने दो कलर फेसेस हैं, कितने तीन कलर फेसेस हैं, तो वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। ऐसा एक क्वेश्चन इसमें आया था जो मैंने उसको छोड़ दिया था। और इंग्लिश में भी वोकैब सेक्शन जो है उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मेरा जो इंग्लिश का जो वोकैब है वो थोड़ा सा इस समय उसमें मिस्टेक्स हो जा रही हैं, तो मुझे भी इसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा। सबसे बाकी तो सब ठीक है, लेकिन सबसे जो खराब सेक्शन गया वो जनरल अवेयरनेस का गया है। जनरल अवेयरनेस में भी कुछ दो तीन क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक से गए हैं, लेकिन वाकई ये जो जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चंस इसमें इस वाले टेस्ट में हैं वाकई काफी मतलब मॉडरेट से भी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मॉडरेट से भी थोड़े ऊपर कह सकते हैं। अगर आपको पूरी थॉरो नॉलेज नहीं है उस टॉपिक के बारे में तो आप इसमें मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो जैसे कि जो आईएएस लेवल पे या पीसीएस लेवल पे जो कई क्वेश्चंस आते हैं कि ए और बी, ए बी सी, ये ओनली ए ओनली बी, इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी इस टेस्ट में हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि टॉपर्स के स्कोर आप देख रहे हो, मैंने भी देखा था इसमें 182.5, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्होंने, आप सभी लोग जानते हैं कि टेस्ट के लोग कैसे दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जानबूझ के वो कहीं से उन्होंने चीट किया या जो भी है, लेकिन ज्यादातर ऐसा स्कोर लाना वो भी जीके सेक्शन, ऐसा जीके सेक्शन होने के बावजूद थोड़ा मुश्किल है। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ जो मैंने छोड़े और जो गलत हुए हैं। तो रीजनिंग सेक्शन में देखें एक चीज और, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैंने ये सोचा है कि ऑल्टरनेट डेज में हम प्रीवियस ईयर के मॉक्स भी देंगे, स्पेशली 2021 जो सीजीएल हुआ था अभी अप्रैल में, उसके मॉक्स हम ऑल्टरनेट डेज में भी देंगे उसको भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रीजनिंग का ये है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इनका सम किया है, उसको उनके लेटर्स से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इसमें ये भी इजी क्वेश्चन है, ये तो मतलब आपको ऑप्शंस से चेक करना पड़ेगा। ये सिलोगिज्म का इजी क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा मतलब इन्होंने ये नहीं पूछा है कि अरेंज करने के लिए, नहीं बोला है, इन्होंने पूछ लिया है कि तीसरा वर्ड कौन सा होगा अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करें। तो थोड़ा क्वेश्चंस को भी मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको भी हमें बहुत ही आराम से ध्यान से रीड करना होगा। मिरर वाला क्वेश्चन ठीक है, एम्बेडेड वाला क्वेश्चन ये भी इजी है, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोडिंग वाला है,
ये मेरा गलत हो गया, सिली मिस्टेक से गलत हुआ है वैसे ये, टाइम भी इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं मानूंगा क्योंकि तो इसका लॉजिक थोड़ा सा मतलब हटके है। इसमें इंटरचेंज करके देखना है तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा मतलब थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे नहीं कि सारे चेक करें, कुछ ऐसे इसको चेक करें कि इसमें जो नंबर्स हैं, जैसे 294 एक बार देख लीजिए कि 14 क्या इसको डिवाइड कर रहा है। हाँ डिवाइड कर रहा है, तो पहले वो चेक करें जो डिवीजन से हैं, मतलब प्लस की जगह प्लस और डिवीजन का इंटरचेंज हो रहा हो। तो मैंने यही किया था और ये जल्दी हो गया था। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये भी, मिसमैचिंग। ये मतलब अलग लेवल का, मतलब ये तो इतना सोचना है, देखने में ऐसा लगेगा बहुत इजी है लेकिन ऐसे जब दिया हुआ है आपको ऐसे सोचना बहुत मुश्किल है। इन्होंने क्या किया है कि इनका ये है कि कंसेक्यूटिव जो लेटर्स हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पे लेटर्स बीच में कंसेक्यूटिव, जैसे एच आई है, यहाँ ई एफ जी है, पी क्यू आर एस आर एस है, बाकी इससे मतलब नहीं, लेकिन ये कंसेक्यूटिव, यहाँ कोई कंसेक्यूटिव नहीं है, बस ये। लेकिन ये बहुत अलग लॉजिक है, नहीं कर पाएंगे। ये मैंने तो बड़ा क्वेश्चन देख के छोड़ दिया इसको। ये क्वेश्चन में ऑल्टरनेट सीरीज बन रही है, 13 5 18 5 23 ऐसे, 14 6 20 6 26 ऐसे। ये क्वेश्चन मैंने ट्राई किया लेकिन मुझसे हुआ नहीं। कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल, इसमें ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें साइंस की नॉलेज जिसके पास होगी वो इसको कर पाएगा, वरना इसको करना थोड़ा मुश्किल है। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मैमल्स जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, तो ये कौन सा आएगा, ये लास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, क्यूब हूज, यही क्वेश्चन बिल्कुल, ये मैं मतलब ऐसे क्वेश्चन रिवीजन में मेरे नहीं है तो इसको मैं बिल्कुल देख के इसको छोड़ दिया था। सिस्टम हैंग हो रहा है। वेट अ मिनट, ये मिसिंग फिगर वाला इजी क्वेश्चन, ये मैंने नहीं किया जबकि ये शायद इजी क्वेश्चन है, मैं उस समय इसको कर नहीं पाया। इजी क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन, ये उसको रीजनिंग क्या है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एवरेज का, कंप्लीट दिस सीरीज, ये सीरीज का क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका लॉजिक है कि जो स्क्वायर करके ऑल्टरनेट में -1 -2 करना है, थोड़ा सोचना मुश्किल है इसमें भी। अब उस टाइम पर ये बड़ा क्वेश्चन था, मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये हो गया रीजनिंग का। रीजनिंग दो तीन क्वेश्चन और हो जाते हैं जो जैसे वो डाइस ये सब वाले, तो ये पेपर मतलब 36 38 लाने वाला है, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन इसलिए मैं नहीं उसको ऐड कर रहा, वो बड़े क्वेश्चन है, उसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वांट,
क्वांट में तो ठीक है, ये भी एक हो गया, ये फॉर्मूले से वो भी हो जाएगा, ये इजी क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड निकालनी है, ये भी इजी क्वेश्चन। द एवरेज सैलरी 20 वर्कर्स इन एन ऑफिस, ये एवरेज का क्वेश्चन ठीक है। ये मैंने छोड़ दिया था, मतलब छोड़ा क्या, मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे लगा कि लेंथी जा रहा है, इसलिए मैंने इसको, मतलब टाइम लग गया था इसमें, फिर फाइनली छोड़ दिया इसको। क्वेश्चन से भी कर सकते हैं इसको, शॉर्टकट के चक्कर में उसमें टाइम लग गया। अ क्यूबॉइड ऑफ हाइट, ये थोड़ा टाइम टेकिंग था तो इसलिए छोड़ दिया मैंने। ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? देखो कौन से बराबर है, तो 2a - 21a, -19a एंड 4 1 4, ठीक है, प्लस में हो जाएगा 19। ओह शिट, माइनस माइनस 4 आएगा, मैंने प्लस 4 दिल्ली। इजी क्वेश्चन है ये भी, इजी क्वेश्चन है, अरे ये जैसा क्वेश्चन आसान है ये भी, ये तो बिल्कुल ही आसान है, ऑप्शन से हो गया। अब सम ऑफ रुपीज इसमें कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पॉइंट्स में है ना। ये इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कह सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बुलेट के शेप में इसको करके निकालना है। तो इसमें बस ये चीज है कि टोटल हाइट दे रखी है 17 और रेडियस दे रखा है हेमिस्फेयर का, सिलेंडर की हाइट इसकी हेल्प से आ जाएगी। ये इजी क्वेश्चन, ये स्टार्ट अ बिजनेस, ये भी इजी है। तो 100 मान के कर लेंगे सीपीओ, फिर एमपीओ 135, वहां से हम डिस्काउंट निकाल के देख। पाई चार्ट का बहुत इजी क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, मुझे इसमें टाइम लग गया, यही एक दो क्वेश्चन में टाइम जो 3 3 मिनट चले गए ना, यहीं पे टाइम वेस्ट हो गया है। ये इजी है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बन रहा है। प्रिज्म का है, प्रिज्म का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सरफेस एरिया वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है, वॉल्यूम में तो उतना टाइम नहीं है। मैन स्पेंड्स, ये वाला फ्रैक्शन वाला, तो कुछ मान लीजिए जो इसका मल्टीपल हो, ओवरऑल उसकी सैलरी उसे इंडिविजुअल निकाल के फिर जो बच रहा है उसको इक्वल, उसके इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन इंग्लिश, बहुत ही मतलब देख रहे हैं 8 क्वेश्चन गलत है। अब यही समझ लिए, जीके तो जो वो तो होता रहता है लेकिन इंग्लिश में ये गलत बहुत हो गया, ऐसा जल्दी होता नहीं है। फूल्स एरेंड, ये गलत हो गया। अ टास्क और एक्टिविटी दैट हैज नो होप ऑफ सक्सेस, यहाँ पर भी मैंने सिली मिस्टेक कर दी। यहाँ वॉज वाला होगा तो मैं डिड वाला ही कर गया, तो भी चेंज होगा ना फिर। ये इजी है, ये मुझे लग रहा था कि ये प्रोड्यूस है, यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए। मैंने भी यही दिया होगा रीजन,
बीएमडब्ल्यू के ये एक सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर। आई एम मैरिड टू गर्ल हु लिव्स इन द। अच्छा यहाँ पे एक लॉजिक इन्होंने मतलब दिया हुआ है कि जिस जितनी कंट्रीज में एस लगा रहता है वो उसके आगे द लगता है। ये मुझे नया बिल्कुल पता चला है, आप लोग को भी इस चीज को याद ध्यान में रखना है। तो देख रहे 19% लोगों ने सिर्फ इसको सही किया। फ्लो वन स्टॉप, तो ये तो इजी है, स्पेलिंग वाला भी इजी है। शुड कास्ट, अब यहाँ कास्ट और कास्ट ये वाला कास्ट होता है, CAST वाला। अपार्थिड सिस्टम, ये इजी क्वेश्चन है। एग्रीगियस, ये वर्ड ऐसा वर्ड है, मतलब मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसी इसमें इस टेस्ट में ऐसा हुआ है कि जो मुझे कंफ्यूज करती हैं चीजें वो चीजें ही इसमें आ गई। एग्रीगियस वर्ड मुझे हमेशा कंफ्यूज किया है, हमेशा भूल जाता हूँ इसका मीनिंग क्या है, इसकी वजह से ये गलत हो गया। इसी हे वो ना, हाँ एक चीज और यहाँ पर ये आ गई, जहां पे फ्रेजल वर्ब आ जाती हैं वहां पर भी दिक्कत है। तो मुझे फ्रेजल वर्ब भी रिवाइज करना, रिवाइज क्या पढ़ना है, और बाकी वोकैब तो रिवाइज करनी ही है। पार्ट विथ मिस स्पेलिंग, तो इसके स्पेलिंग मुझे पता तो नहीं एग्जैक्ट, लेकिन बाकी सब सही है, तो ऑप्शन के हेल्प से हमने ये मार्क कर दिया। लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फार्म इन विच एनिमल्स और हे एंड ग्रेन आर केप्ट, ये मुझे पता नहीं था, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन ये वर्ड अलग लग रहा था, ये मैंने गेस गेस किया था। बार फ्लोर क्रॉसिंग, अब ये भी कंफ्यूजिंग है। मुझे बहुत मतलब फ्लोर टेस्ट वगैरह होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह सिस्टम में, तो मुझे लगा ये वाला होगा, लेकिन ये यही है। तो मैंने क्या हो गलती से मार्क कर दिया, उस समय मैं तो यही सोच रहा था। ABCD सही है। मलाइन कैसे गलत हो गया, मलाइन मतलब तो पेलफुल, कंपैशनेट, क्या मतलब आज कुछ अलग ही लेवल चल रहा था। मतलब मलाइन को मैंने बेलफुल कैसे मार कर दी, जबकि बेलफुल खुद मतलब नेगेटिव वर्ड है। लगातार लग रहा है फुल टेस्ट देते देते अब प्रीवियस टेस्ट ही एक ऑल्टरनेट देना सही है, ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा, मतलब ये भी देंगे और प्रीवियस ईयर का भी। ये इजी थे, कोई गलत हुआ है। अच्छा फ्यूल्ड की जगह बाकी तो ठीक है, लेकिन इसमें 8 गलत होगा, यही मेरा स्कोर डाउन कर गया। 4 गलत हो तो 10 नंबर और आते हैं। जनरल अवेयरनेस, 11 क्वेश्चन गलत है। वाह सही कितने हैं, 6। अब इसी से सोच लीजिए, अटल पेंशन योजना का ये गलत हो गया, 1000 मिनिमम होता है, ये एकदम अलग ही क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया, ये भी बिल्कुल नहीं समझ में आया, ये भी आसान नहीं है। देखिए 8% लोगों ने सिर्फ सही किया है। स्टैंडर्ड मेरिट इनफ, अच्छा यहाँ पे मैं ये सोच रहा था 82.5 होता है, तो यहाँ पर इन्होंने मिनट्स में दे रखा है, अब वो 82.5 डिग्री होती है, इसलिए ये गलत हो गया, होना नहीं चाहिए था ये गलत, लेकिन इस वजह से गलत हो गया। फेस्टिवल ऑफ डांसेस, अच्छा ये शायद गलत है मेरा, खजुराहो होगा, बिल्कुल अलग है। सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये तो करंट अफेयर में पढ़ा था। राइट ऑफ फॉर्म कोऑपरेटिव, नो आइडिया, गलत है हो गया। जैसे ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको पूरा नहीं पता है तो
आप नहीं कर पाएंगे। देखो 1 2 3 फिर 1 बोथ 1 एंड 2 बोथ 1 एंड 3, तो ये टफ क्वेश्चंस हैं। 70% लोगों ने आंसर किया जो क्या बोले। विद रिस्पेक्ट टू द डोमेस्ट्री पैटर्न ऑफ सतवाहना हु वाज गौलमी का, ये भी नहीं पता कुछ। विच ऑफ द कंट्रीज फॉर्म पर रफी तरार हैज पास्ड अवे, ये तो मैंने गेस किया था नाम के हिसाब से, कुछ कुछ टाइम पहले सुना सुना लग रहा था कि पाकिस्तान में किसी की डेथ हुई है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स 18th कचई लेमन फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन जनवरी। लेमन वाले पता नहीं, मणिपुरी था पोस्ट तो रहा था लेकिन मार्क नहीं किया। अब ये क्वेश्चन भाई कैसे हम कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज, इन सब क्वेश्चन के लिए डीप नॉलेज पूरी होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, तो ये तो राजगृह है। द वैलीज लाइंग बिटवीन, ये भी आसान क्वेश्चन था ये वाला। व्हाट वाज द मेल फीमेल लिटरेसी गैप, नो आइडिया, याद ही नहीं है, याद भी नहीं आ रहा दोस्तों। ऑपरेशन गंगा, तो ये यूक्रेन वाला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनाया है। लेकिन मुरली श्रीशंकर बैक्ड गोल्ड में पता नहीं कौन है। कंसीडर फॉलोइंग पर्सनालिटीज, ये गलत हो गया शायद, इसमें जवाहरलाल नेहरू भी आएंगे। ऐसे क्वेश्चन मतलब सभी लोग हैं, इसका मतलब सभी लोग इसमें होम रूल में। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में भी नहीं पता। करंट अफेयर थोड़ा सा ऑफ है। वो द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सजदा, फिरोज तुगलक। अच्छा ये ओ शिट, ओ बलबन तो देखा ही नहीं मैंने, मैं सिर्फ फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद तुगलक ही देख पाया। अरे बलबन ही तो था जो जिसने मतलब झुक के लेट के वो प्रणाम करने वाला को सिस्टम चालू किया था, उसे शायद सिजदा कहते हैं। और इस थीम ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2021, पता भाई पोटेंशियल। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये भी नहीं पता। गेटवे ऑफ इंडिया, ये तो जॉर्ज पंचम है। फुट उपचार 37, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो फाइनली अब हम चलते हैं एनालिटिक्स पे, कितना है स्कोर आया है देख लीजिए। परसेंटाइल क्या है मेरी, 68% एक्यूरेसी 74%। ऐसा जल्दी होता नहीं है, मतलब इतनी खराब। स्कोर क्या है 109.5। अभी मैं देखा था इसमें जो प्रीवियस अपना फुल टेस्ट 3 था उसमें जो एवरेज मार्क्स गए थे 101 गए थे, और इस वाले में एवरेज मार्क्स लगभग 93 के अराउंड है। तो 8-9 नंबर का डिफरेंस है, थोड़ा अपर साइड में ये टेस्ट था, लेकिन 109 नंबर 110 नंबर तो कम है ही। 10-12 नंबर 15 नंबर मतलब 125 तक अगर स्कोर रहता ऐसे पेपर में भी तो अच्छा माना जाता। रैंक है 6,500-20,000 में से। और नीचे सेक्शनल देख लेते हैं, हाँ सेक्शनल जनरल इंटेलिजेंस में 94% एक्यूरेसी सही है। क्वांट में क्वेश्चन गलत हो गया था, 95.45 ये भी एक्यूरेसी। बस जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश वाला पोर्शन, इसमें मैंने थोड़ा सा वो भी किया था आज, अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी थी मैंने। वैसे मैं इंग्लिश को पहले करता था लेकिन आज मैंने रीजनिंग को पहले स्टार्ट किया और स्ट्रेटजी चेंज करते ही इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ हो गया। जनरल अवेयरनेस तो ऐसे ही, तो ये ठीक है। अब नेक्स्ट अपना जो टेस्ट होगा वो प्रीवियस ईयर का, और ऐसे नहीं देंगे कोई भी टेस्ट,
जो टफ क्वेश्चंस होंगे, मतलब जो टफ पेपर सबसे हुए हैं वहां से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नीचे तक जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। आप अपना नेक्स्ट एनालिसिस प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।